师傅。नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अब ये बात तो आप सब अच्छे से जानते हैं, अगर आपको होंडा की कोई गाड़ी आज की डेट में चाहिए तो आपके पास काफ़ी कम ऑप्शन है, गिने चुने दो तीन ऑप्शन है होंडा सिटी को छोड़ के। वो काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। लेकिन जो दो तीन गाड़ियाँ हैं गिनी चुनी, वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर से वो वाली फील नहीं मिलती कि आपने कोई नई गाड़ी खरीदी है। अगर आपने गाड़ी खरीद भी ली तो आपको अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, वो नई गाड़ी वाली फील नहीं मिलेगी, वो खुशी नहीं मिलेगी। अभी के टाइम पर 10 से 15 लाख रुपए में आपको सिर्फ होंडा की WRV मिलती थी, वो भी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। उसकी जगह रिप्लेस करेगी होंडा की एक न्यू गाड़ी जिसे टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू, मारुति विटारा एंड किया सोनेट के सेगमेंट में रखा जाएगा। अभी ज़्यादा कुछ जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। फुल रिव्यू तो आपको गाड़ी के रिवील के बाद में मिलेगा, लेकिन हाँ नाम से शुरुआत करें तो WRV को रिप्लेस कर रही है गाड़ी, तो हो सकता है WRV की न्यू जनरेशन हो। इस बार होंडा ने गाड़ी की हाइप बनाने में भी थोड़ी सी कोशिश की है, लेकिन ऑनलाइन इसकी बहुत सारी पिक्चर्स हैं। अभी तो गाड़ी को कैमोफ्लैश किया गया है, ग्लास से कवर किया गया है ताकि कोई इसका डिज़ाइन ना देख पाए, लेकिन शायद वो जानते नहीं ऑनलाइन इसकी पिक्चर्स पहले लीक हो चुकी हैं। तो भाइयों यार बस वीडियो में एंड तक बने रहो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी गाड़ी से रिलेटेड सिवाय इंटीरियर और स्पेस के। और अभी बात कर लेते हैं इसके लॉन्च की। ये लॉन्च होगी 2023 के मिड में, यानी कि 2023 के बीच में, यानी कि जो पूरा साल है 2023 उसके बीच में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। प्राइस की बात करें तो इसकी सेगमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 लाख से 15 लाख के बजट में आपको ये गाड़ी देखने को मिलने वाली है। देखने में आपको काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही होगी क्योंकि कैमोफ्लैश है, इसलिए आपको थोड़ा सा नज़रों का धोखा है। बाकी सेगमेंट इसका वही है टाटा नेक्सॉन वाला, तो उसी साइज़ में आपको देखने को मिलेगी। और उसमें आपको क्या क्या मिलेगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और पीछे की लुक आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल सी रखी गई है, और बिना कैमोफ्लैश के भी मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, तो वेट कीजिएगा। और इसमें आपको फीचर्स की बात करें तो रियर में आपको जैसे कि आप देख सकते हैं वाइपर मिलेगा, डिफॉगर मिलेगा, कैमरा मिलेगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलेगा, ऊपर की तरफ स्पॉइलर मिलेगा, और कनेक्टेड आपको DRLs नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ i20 जैसी इसकी लाइट्स लग रही हैं। लेकिन जब आप बिना कैमोफ्लैश के देखेंगे तो आपको काफ़ी अलग सी लगेंगी। साइड की बात करें तो साइड में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, पडल लैंप मिल जाएंगे, 16 इंचज़ के आपको लेवल मिल जाएंगे, और बाकी कुछ स्पेशल नहीं है साइड में भी। बाकी इंजन की बात करें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर का डीजल इंजन आपको देखने को मिल जाएगा विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक बोथ ट्रांसमिशन के साथ। एडास वगैरह के फीचर आपको इसमें नहीं मिलेंगे क्योंकि पूरे सेगमेंट में ही कहीं पर नहीं मिलते, तो इसमें क्या करोगे यार आपको लेके। फ्रंट में आपको LED DRLs देखने को मिल जाती हैं। तो अब बारी आती है इसके बिना कैमोफ्लैश वाली पिक्चर्स की। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक क्रोम वाली ग्रिल देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी स्लीक सी है। LED फॉग लैंप एंड LED हेडलैंप आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग का काम नहीं मिलेगा। बैक साइड की लुक्स देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि सेम टू सेम यही डिज़ाइन आपको कैमोफ्लैश वाली पिक्चर्स में भी देखने को मिल रहा था, और यही इसमें भी मिल रहा है। जो फेसलिफ्ट से पहले वाले i20 थी उसके जैसे थोड़ा सा DNA आपको इसमें देखने को मिल रहा है। बाकी वीडियो में आपको थोड़ी सी भी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।